तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो आज मैं RRB JEE CBT 2 के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि RRB JEE CBT 2 जो है आप किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। एक लड़का बोल रहा था कि आप ना थोड़ा सभ्य होके बात किए जाइए। तो देखिए, सभ्य होके बात मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, पर अपनी यूट्यूब में मैं सभ्य होके बात इसलिए नहीं करता। जब सभ्य होके बात करी जाती है ना, तो तुम्हारे जैसे लड़कों को समझ में नहीं आती। YouTube पे आप जितनी असभ्यता से बात करते हैं ना, उतना आपके लिए सही होता है, बिकॉज़ YouTube पे हेटर्स बहुत होते हैं लाइकर्स से। इसीलिए मैं असभ्य होके बात करता हूँ, ठीक है। आप मेरा कोई भी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देख लेना, कितना ज़बरदस्त रिप्लाई होता है मेरा, ठीक है। मतलब अगर कोई मेरा हेटर है तो उसको डायरेक्टली मैं वैसे ही जवाब देता हूँ, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें लगता है मुझे सभ्य होके बात करनी चाहिए तो मैं कर देता हूँ भाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल सभ्य होके बात करता हूँ। तो आज बिल्कुल सभ्य होके बात होएगी, सभ्य इन द सेंस कि तू तड़ाक नहीं करनी या ये नहीं करनी, ठीक है। तो वो देखो, मैंने स्टाइल इसीलिए अपनाया था क्योंकि आप देखोगे कमेंट, कोई भी वीडियो आप डिलीवर करते हो उस पर पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आते हैं, ठीक है। भले ही आपकी वीडियो कितनी अच्छी क्यों ना हो, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादातर बच्चे ना गाइडेंस ले लेने, मज़े लेने आते हैं आजकल। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, आजकल यूट्यूब मज़े लेने का ज़्यादा सोर्स है, ठीक है। आप किसी के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर दो ना, वो मज़े लेके चला जाएगा, ठीक है। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया सिर्फ यूथ की गाइडेंस के लिए है। अगर आप लेना चाहते हैं गाइडेंस तो लो भाई, इतने बड़े बड़े चैनल है, बाकियों पे जाओ, ठीक है। आप बाकी जगह स्टडीज़ कर सकते हैं, आपको मेरा चैनल फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो आज हम RRB JEE CBT 2 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सभ्य स्टाइल में करेंगे। तो नमस्कार दर्शकों, क्या हाल है आपके, ठीक है। तो आप जितने भी दर्शक मेरे हैं उनके लिए ये वीडियो है कि RRB JEE CBT 2 किस तरीके से क्वालिफाई किया जाए, ठीक है। तो RRB JEE CBT 1 की इससे पहले मैंने अपने चैनल पे ही क्या बोलते थे एक वीडियो लॉन्च करी थी, उसमें मैंने सिलेबस बताया था। आज हम RRB JEE CBT 2, जिसको टेक्निकल डोमेन का, ठीक है, RRB के जो एग्ज़ाम होता है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल का, वो जो होता है वो दो हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा CBT 1, दूसरा हिस्सा CBT 2। CBT 2 को टेक्निकल डोमेन का हिस्सा माना जाता है, तथा और जो CBT 1 होता है उसको एक नॉन टेक्निकल डोमेन का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो जो CBT 1 क्वालिफाई करता है उसे ही सिर्फ CBT 2 की चुनौतियों का सामना करने को मिलता है, ठीक है। तो CBT 2 को हम चुनौती नहीं मान सकते, CBT 2 को आप अपनी डोमेन मानिए। अगर आपकी टेक्निकल डोमेन जो है वो काफ़ी अच्छी है तो आप CBT 2 बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आप RRB JEE का जब CBT 2 देने जा रहे हो तो आपको तैयारी थोड़ी सी डिफरेंट रखनी पड़ेगी, क्योंकि RRB JEE का जो CBT 2 है और जो PSU के CBT 2 होते हैं, जैसे UPPCL हो गया, PGCI CBT 2 कह रहा हूँ, सॉरी, जो PSU का टेक्निकल एग्ज़ाम होता है, जैसे कि UPPCL, UPRVNL हो गया, PGCIL हो गया, और जो RRB JEE का टेक्निकल पेपर होता है CBT 2 वाला, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब कहेंगे बच्चे कि यार ये डिफरेंस क्यों बोल रहा है, RRB JEE CBT 2 इज मच ईजियर टू क्वालिफाई एज कम्पेयर टू टेक्निकल एग्जाम ऑफ। अगर आपका CBT 1 क्लियर हो जाता है ना तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। RRB JEE CBT 2 का लेवल बहुत नीचे है, अगर आप पिछला पेपर उठा के देख ले दो, इस बार बढ़ जाए वो अलग बात है। CBT 2 का लेवल UPPCL के जो टेक्निकल पेपर होता है उसके सामने कहीं स्टैंड नहीं करता, बिकॉज RRB JEE का अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे वो बड़ा कॉम्पैक्ट है, वो दे भी रखा है। कितना कॉम्पैक्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन आएंगे, पावर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, मेजरमेंट से क्वेश्चन आएंगे, मटेरियल से क्वेश्चन आएंगे, एस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आएंगे, और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ना आपको एक भी क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम से दिखेगा, बिकॉज RRB JEE कंट्रोल सिस्टम को लेता ही नहीं है अपने सिलेबस में, ठीक है। और देखिए, जो PSU के एग्जाम्स होते हैं ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, जैसे कि UPPCL हो गया, UPRVNL हो गया, PGCIL हो गया, इनका कोई सिलेबस नहीं होता डिफाइंड, ये कुछ भी डाल देते हैं। PLC आ रहा है, SCADA आ रहा है, यहाँ पे तो इसकी भी सिरदर्दी नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके से CBT 1 एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं तो इतनी मैं गारंटी लेकर बोल रहा हूँ कि आप CBT 2 आराम से क्लियर कर देंगे, अगर आपका एवरेज टेक्निकल भी है तो। लेकिन आपको उसके लिए भैया यूथ किताब की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, VK मेहता की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो RRB JEE होता है जनरली इसी के दरमियाँ होके पेपर बनाता है, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं इसमें जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जैसे कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बहुत क्वेश्चन आते हैं RRB में, ठीक है, CBT 2 के अंदर, ठीक है।
एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, ठीक है, और कंट्रोल सिस्टम जैसे जो हाई लेवल के सब्जेक्ट होते हैं, कंट्रोल सिस्टम, पीएलसी, स्काडा, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, यहाँ पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मशीन्स को बहुत फॉलो करता है, पावर सिस्टम को बहुत फॉलो करता है, पावर सिस्टम से ज़्यादा मशीन आती है रेलवे के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, तो आज हम बात यही करने जा रहे थे कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 को अगर आपने टारगेट बनाना है तो आप 5 सब्जेक्ट को अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अभी से, मशीन्स, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, मेजरमेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स और यही है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे बाहर आपको आरआरबी जेई सीबीटी 2 में एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा। अगर सिलेबस में देखी दिख गया ना आपको आरआरबी जेई सीबीटी 2 में इससे बाहर क्वेश्चन इन 5 सब्जेक्ट से, उसी दिन ही यूट्यूब चैनल खुद ब खुद बंद कर दूंगा। इतना एक्सपीरियंस है मुझे एग्जाम्स का, नहीं मिलेगा आपको। इससे पहले मैंने एनबीसीसी की वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बोला था कि इन्हीं 5 सब्जेक्ट से आएगा, जो भी बच्चे एनबीसीसी का पेपर देने जाएंगे ना उनको उन्हीं 5 सब्जेक्ट से पेपर आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उन 5 सब्जेक्ट से बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा तुम्हारे को। किसी भी एग्ज़ाम में आप चले जाओ, एक्सेप्ट UPPCL, PGCIL, PSU एग्जाम्स का डेफिनेट सिलेबस नहीं होता, लेकिन RRB, SSC, JEE ये स्टैंडर्ड सिलेबस को फॉलो करते हैं और उससे बाहर, हाँ क्वेश्चन घुमाए फिराए आ सकते हैं लेकिन क्वेश्चन इन 6 सब्जेक्ट से बाहर नहीं होते RRB में, गारंटी लेके बोल रहा हूँ। अब आपको विश्वास करना है, ठीक है, तो ठीक है। एक बोल रहा था भाई अपना UKPSC JEE में जो तेरा DV हुआ है ना उसका रोल नंबर दिखा, प्रमाण दे, बताओ आज प्रमाण देना पड़ रहा है, 14 तारीख को तो मेरा DV है, कराने जा रहा हूँ मैं, नहीं होता तो रोल नंबर भी दिखा दूंगा, ठीक है, दिखा दूंगा मैं अपना रोल नंबर, मेरे को क्या, 14 तारीख को DV में जा रहा हूँ मैं और मुझे लग रहा है शायद मेरी नौकरी लग जाएगी मेरी, UKPSC JEE बन गया मैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा, ठीक है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है, कि बन गया मेरा, हो गया काम इस साल, ठीक है, तो ठीक है फिर, ठीक है, मैं तो बन गया UKPSC JEE, ठीक है, 14 तारीख को मेरा DV है, ठीक है, वहाँ जाके एटलीस्ट अभी मैं एक UKPSC से अगर मुझे जॉब मिलती है तो उसमें जाके ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है, नहीं मिलेगी वैसे चांस तो है कि बनेगा मेरा, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है, अगर वहाँ पे जॉब मिलती है मेरी तो ठीक है, चले जाऊँगा, ठीक है, उसके बाद देख लूँगा आगे क्या करना है, ठीक है, पहले तो यही जॉब मिले तो इतना बहुत है, ठीक है, सोने पे सुहागा है, ठीक है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है वो, तो अच्छी बात है, ठीक है, अगर एंट्री होती है इतनी अच्छी जॉब में, ठीक है, तो ठीक है, बाकी ठीक है, तो यही है, ठीक है, तो अब शायद मैं कल परसों वीडियो ना डालूं, ठीक है, क्योंकि 14 तारीख को मेरा DV है, ठीक है, हरिद्वार में फर्स्ट सुबह, ठीक है, UKPSC JEE का उत्तराखंड में, तो उसको करा के देखते हैं, पर मैं मोटिवेटेड बहुत हूँ यार, क्योंकि मेरा एक DV आ गया ना नाम, तो अगर कोई और एग्ज़ाम भी होता है तो मैं उसको फाड़ तो एटलीस्ट दूंगा ही, या DV तक तो पहुँचूंगा ही, पर हो सकता है मेरा यहाँ पे हो जाए, ठीक है, नहीं होता तो कोई गम नहीं, DV तक तो है ही, उसके बाद किसी वैकेंसी का इंतज़ार कर लेंगे, या RRB JEE की तैयारी कर लूँगा, ये तो है, ठीक है, अगर नहीं होता तो, पर वैसे हो जाएगा तो फिर किसी, फिर कुछ देख लूँ, फिर तो यही जॉब ज्वाइन करूँगा, ठीक है, तो ठीक है, आपको करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे बोल रहे थे UPPCL JEE का, तो यार UPPCL JEE का बताया था मैंने, वो धरना दे रखा था बच्चों ने, अगर उसके ज्ञापन सौंपा हुआ उन्होंने, अगर भाई आचार संहिता से, देखो यार आचार संहिता का इफेक्ट ना एग्ज़ाम्स पे पड़ता है यार, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की एक्चुअली आचार संहिता में होता क्या, मैं ये भी क्लियर कर दूँ आचार संहिता का क्या इफेक्ट होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं ना उनकी आचार संहिता के टाइम पे ना ड्यूटी लग जाती है इलेक्शंस के कामों में, तो उसके चक्कर में कोई भी गवर्नमेंट का काम नहीं होता, तो अगर UPPCL ने नोटिफिकेशन निकाल भी दिया, ये नोटिफिकेशन निकलवाए नहीं तो गए बच्चे, तो एग्ज़ाम फिर भी जुलाई अगस्त के ही आसपास होगा, तो पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वैकेंसी लगाओ अगर आती भी है ना सितंबर अक्टूबर नवंबर तक की कंप्लीट होगी, ये पूरा साल तुम्हारा ऐसे ही वेस्ट जाएगा, ठीक है, मतलब तैयारी करते करते ही निकलेगा, ये साल भी ये लगाओ अगर बीच में आपको कोई जॉब नहीं मिलती तो, ठीक है, तो इतनी बात तो है, ठीक है। आचार संहिता में नोटिफिकेशन आ सकता है, ये बात मैंने पहले भी डिस्कस करी है कि नोटिफिकेशन आ सकता है पर एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है। अब कई बच्चे बोलते हैं भाई तू ना डीमोटिवेट करता है,
डीमोटिवेट की बात नहीं होती, रूल्स होते हैं ये गवर्नमेंट। तुम खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने वाले हो भाई, एक बात बता देता हूँ, जब तुम खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इलेक्शंस में भी ड्यूटी लगती है, इसीलिए तो बिजी होते हैं वो इलेक्शंस के टाइम पे। ये होता है बस पंगा। तो इसलिए आचार संहिता में कोई नया काम नहीं हो सकता, यानी कभी भी कोई भी एग्जाम नहीं कराया जाता आचार संहिता में, किसका एग्जाम होएगा खुद सोचो तुम। हाँ वैकेंसी फरवरी में आई होती और मार्च अभी तक एग्जाम हो जाता यूपीपीसीएल का, तो अलग बात होती, ठीक है। नहीं होता भाई आचार संहिता में कोई काम नहीं होता, नोटिफिकेशन आ सकता है। ये जो एग्ज़ाम भी होएगा ये अगस्त तक ही मान के चलो आप, ठीक है। तो यही है सिस्टम, ठीक है। बाकी अभी आप रेलवे पे फोकस करो, ठीक है। धन्यवाद।